हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और आज मैं निफ्टी पे व्यू लेके आया हूँ कि निफ्टी कैसा रहेगा आगे। तो निफ्टी में भी थोड़ा पॉजिटिवनेस दिख रहा है। दो आप देखेंगे छोटा छोटा पॉइंट करके लास्ट में आपको क्लोजिंग दिया है, फ्राइडे को 1 पॉइंट ऊपर दिया है। तो मंडे भी पॉजिटिव रहने का निफ्टी 50 चांसेस है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप ये 18 तारीख को जो इसने क्लोजिंग दी है, आप अगर इसके इंडेक्स की बात करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10914 पे ओपन होता है, 10928 का हाई लगाता है, नीचे 10852 का लगाता है और फिर ऊपर की ओर जाके क्लोज 10906 पे 0.02% से निफ्टी 50 गेन देकर के ऊपर की ओर जाता है। एडवांसेस 16 है, डिक्लाइन 34 है। जो एडवांस में अच्छा काम कर रहे थे, रिलायंस, विप्रो, कोटक बैंक, हिंडालको, एचसीएल टेक अच्छा गेनर के रूप में थे। जो लूजर थे, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एलएनटी। सन फार्मा मैंने आपको वीडियो भी दे दिया और मना भी किया था कि आप इसको हर समय वो बताता था आपको, अगर आपने रुके होंगे तो अच्छा है। अगर एफआईडीआई की बात करें तो दोनों ने सेलिंग किया है और एफआई ने 124 करोड़ की सेल की है, तो डीआई ने 97.1 करोड़ के लगभग 0.97 लाख 97 लाख से 1 करोड़ का सेल किया है। और अगर इंडेक्स की बात करें तो सारे इंडेक्स रेड में बंद हुए हैं, एक्सेप्ट निफ्टी 50 थोड़ा ऊपर गया है। और निफ्टी 50 जो घुमा रहा था, पूरा दिन भर घुमाया था, लगभग 50 पॉइंट के आसपास इधर से उधर कर रहा था। 914 पे हुआ, थोड़ा ऊपर गया 928, फिर नीचे 850 पे गया, फिर 906 पे क्लोज किया। तो उसमें जो मेन गेनर थे, रिलायंस अच्छा चल रहा है अभी, रिलायंस, विप्रो, कोटेक बैंक, हिंडालको और एचसीएल टेक, ये सब गेनर के रूप में थे। ओएनजीसी, अदानी पोर्ट। और जो लूजर के रूप में थे, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एलएनटी, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक और आयसर मोटर। यस बैंक भी थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये और कुछ नहीं है, ये आगे वापस चला जाएगा। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो निफ्टी में आप देखेंगे ये आवरली, अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे देखूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये प्लस होते हुए ऊपर की ओर जाके ही क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। लास्ट लो जो बनाया था उसने 18 तारीख को, ये यहाँ से लो बनाया, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहा, फिर ऊपर गया और ये एक अपर लो करके लास्ट आवर में क्लोजिंग दे रहा है। आप देखिए कैसे आवरली बेसिस पे देखिएगा तो ये ऊपर की ओर जाके दे रहा है। अगर मैं वीकली बेसिस पे भी इसको देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बना था और उसके बाद ये ऊपर की ओर गया है और ऊपर की ओर है, ऊपर अच्छा खासा है, स्टिक कम है तो ऊपर की ओर जाना। और ये मिडिल पॉइंट जो है, ये जो है 10745 इसके ऊपर है, तो 10745 के ऊपर जब तक ये रहता है तब तक आपको बाइंग पोजीशन में आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, रह सकते हैं 10, अगर फ्यूचर की बाई की करते हैं। इसी को मैं अगर डेरिवेटिव पे जा करके देखने की कोशिश करूं तो डेरिवेटिव पे भी अगर हम जाके देखते हैं तो क्या दिखता है, ये 31 जनवरी का 10906 का, 18 जनवरी का ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है। तो 10900 एट द मनी पे क्या दिख रहा है कि 1,42,000 का कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, जो कॉल को शॉर्ट किया जा रहा था 1,42,000 से अनवाइंड हो रहा है। पुट में क्या हो रहा है, पुट में अनवाइंड हो रहा है लेकिन 18,000 का हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10800 पे अनवाइंड हो रहा है, 10600 पे भी अनवाइंड हो रहा है और 10 11,000 पे भी अनवाइंड हो रहा है। अनवाइंडिंग तो दोनों साइड साइड है, यहाँ पे भी 11, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है। अगर आप देखेंगे 10800 पे 1,47,000 का अनवाइंड है, 10900 पे 1,42 का, 11,000 पे 1,92, 3,19, तो यहाँ कॉल के साइड में वॉल्यूम से ज्यादा अनवाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन जो था, जो पहले रेसिस्टेंस था, वो कमजोर हो रहा है, तो ऊपर की ओर जाने की संभावना यहाँ दिखती है। और 11400 भी अनवाइंड हो रहा है, 11500 भी अनवाइंड हो रहा है, तो जो शॉर्ट करके थे वो अभी इधर निकल रहे हैं यहाँ पे। और इधर जो है कम रेसिस्टेंस, मतलब अभी भी यहाँ पे इनको जो है 10 9, यहाँ पे 10950 पे अभी एडिशन हुआ है और 10900 पे यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। बट अभी भी देखेंगे 10800 पे 33,76,000 का अभी ओपन इंटरेस्ट ओपन है, जबकि यहाँ पे 11,000 पे 35, कॉल साइड में 35 लाख का 11,000 पे। तो अभी भी यहाँ पे आपको 10900 से 11,000 के रेंज में अभी लगता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 10800 से
11,000, इस जिस तरह से कॉल अनवाइंड हो रहा है तो हो सकता है आपको मंडे ट्यूसडे को निफ्टी में अपसाइड दिखाए, फिर न्यूट्रल वेडनेसडे को दिखा के फिर नीचे की ओर जाए। तो निफ्टी में पॉजिटिव व्यू है, कॉल की ओर है। और अगर एट द मनी अगर देखें 10,906 का है तो 10,900 का कॉल देखें तो आपको 130 रुपये पे मिल रहा है। तो कॉल पे पोजीशन चाहे कोई तो बना सकते हैं, अच्छा रहेगा। और 11,000 का 78 रुपये में मिल रहा है। तो कॉल पे पोजीशन बनता है, कॉल पे पोजीशन बनाएंगे तो शायद आपको फायदा देखने को मिल सकता है। निफ्टी पे अभी पॉजिटिव व्यू बन रहा है क्योंकि यहाँ से वीकली पे देखो, डेली में भी अगर मैं जा करके देखूँ इसको तो डेली में भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आके खड़ा होकर 3 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू खड़ा है। तो एक पैटर्न ऊपर की ओर लेके तो 10,275 को एक बार टच करेगा और निकलेगा, तो किसी ना किसी दायरे में ये भागने को तैयार है, चाहे जिस दिशा में जाए। और जो दिशा दिख रहा है वो ऊपर की ओर ज्यादा अभी दिख रहा है क्योंकि कैंडल जो ऊपर के साइड ज्यादा बन रही है, नीचे स्टिक ज्यादा बन रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो दिख रहा है, इधर भी जो बना है ऊपर की ओर ही दिखा है। और एवरेज वॉल्यूम पर भी देखे तो ये ऊपर की तरफ जाके वॉल्यूम बनाने को तैयार दिखता है। अगर मैं RSI की बात करूँ तो RSI 56 है, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ओवरबाय की कंडीशन पे नहीं है। और MACD देखो तो MACD भी देखिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, सिग्नल दिखा रहा है और ऊपर की ओर निकल रहा है। तो निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे ट्यूसडे के लिए लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद इसको, क्योंकि ये क्या है, अभी ऊपर नीचे रेस आपको तो बता दिया, रेंज जो है 10,000 से 11,000। मोस्ट प्रोबेबली जिस ओर तोड़ेगा उधर आपको 500-500 पॉइंट दे देगा। ऊपर 11,250 तक है, नीचे अगर 10,000 तोड़ता है तो 9,200 का लेवल है। तो देखिए किस ओर जाता है निफ्टी। लेकिन अभी जो है, कल परसों मंडे जो 21 तारीख है, तो 21 तारीख के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि कॉल की ओर आपको फायदा देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी 10,900 130 पे मिल रहा है। ये सारे एजुकेशन पर्पज से था और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।